मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के खंडवा गांव के जंगल में गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। शव की शिनाख्त काशीपुर के मेहता वन के रहने वाले सुखबीर वाल्मीकि के रूप में हुई है। बिलारी में सुखबीर 4 दिन पहले ही अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। मृतक शराब पीने का आदी था। उसकी शराब छुड़वाने के लिए ही उसके परिजनों में बहन के घर भेजा था, लेकिन कल अचानक लापता हो गया। तलाशने के बाद भी कोई पता नहीं चला। आज सुखबीर का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। बिलारी कोतवाली के खंडवा गांव के जंगल में गन्ने के खेत में सुखबीर वाल्मीकि पुत्र सियाराम निवासी ग्राम मेहता वन काशीपुर का शव बुधवार की सुबह पड़ा मिला। मृतक सुखबीर अपनी पत्नी किरण के साथ 4 दिन पहले खंडवा गांव में अपनी बहन शकुंतला पत्नी रामकृष्ण के घर आया था। सुखबीर के बहनोई रामकृष्ण के मुताबिक सुखबीर कल दोपहर से 1 बजे से घर से निकलने के बाद लापता हो गया। तलाशने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया तो चिंता होने लगी और उसकी खोजबीन तेज कर दी गई। इसी दौरान बुधवार की सुबह खंडवा गांव की आबादी से आधा किलोमीटर पूर्व में जंगल में गन्ने के खेत में सुखबीर का शव पड़ा मिला। मृतक की नाक से खून निकल रहा था। सीओ बिलारी महेंद्र कुमार शुक्ला व कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सुखबीर मूल रूप से बिलारी तहसील में थाना हजरत नगर गढ़ी के रामपुरा गांव का रहने वाला था, लेकिन लगभग 15 वर्ष पहले वह और उसके पिता मेहताब वन काशीपुर जाकर बस गए। क्या क्या हुआ आज? मेरे साले हैं। कल 1 बजे घर से निकले, 1 बजे कल। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब ये है जो भी कुछ हुआ सामने, आप क्या पता ये घटना कैसे हुई। आप कहाँ के रहने वाले? खड़गवा के। तो आपके घर पर कितने समय से पहले हुए थे? अरे 4 दिन पहले आए थे, फिर परसों 15 दिन के करीब परसों आएंगे, परसों एक रात रुके हैं, कल मेहमान आए, इनकी भाभी आई है, इनके दामाद आए थे, इनके बड़े भाई के दामाद हैं और इनकी भाभी थी और उनके एक आदमी और थे उनके साथ में, उनके दामाद के चाचा, उनके लिए पेप्सी नमकीन बिस्कुट ले करके और खुद खा के फिर घर से निकले। बोले पेशाब करने जा रहा हूँ, और बच्चों ने उनकी गौर नहीं करी, उनके होते हुए मेहमानदारी में भी गए होंगे पेशाब करने, हम भी थे घर पर ही। अब जी फिर बाद में नहीं होते, हमने तुरंत ही ढूंढना शुरू कर दिया सबने, तुमने शायद किसी रिश्तेदारी में पहुँच गए होंगे, लेकिन इनका ना तो मोबाइल ही था ना कोई नंबर ही था, जो कि मोबाइल होता तो नंबर रहते भी इनके पास। हम रात भी ढूंढ के आए, वो गांव में भी सबने पूछा, गांव में भी घूमे कल, मस्जिद के आसपास भी घूमे, गांव में घूमे, हमने बताया लोगों में, इनका दिमाग ऐसे है, कुछ संतुलन सही नहीं है दिमाग का, गाँव वालों से कहा इनकी कोई गलती करें हमें। अच्छा, कोई दवाई ऐसी चलती थी इनकी? दवाई तो भाई हमारे सामने तो खाई नहीं है, हम कोई ऐसी दवाई लाए। खड़गवा गांव के पास हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले सुखबीर कहाँ, यहाँ अपने सपरिवार, यहाँ उनकी 2 सगी बहनें बहन थी, यहीं पे वो आए हुए, कपड़े खाए गए, यहाँ गांव के ही पास गन्ने के खेत में इनका शव मिला हुआ है। नाक से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। अब रिपोर्ट के बाद ही से कुछ कहा जा सकता है। परिस्थितियाँ संदिग्ध सी लग रही हैं, कोई जाहिरा चोट नहीं है। सर कहाँ का रहने वाला है ये? हजरत नगर गढ़ी का थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ग्राम बनेली। यहाँ कब से रह रहे थे बहन के? अभी संबंध में जांच चल रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।